अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों, इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं तहसीलदार नैब तहसीलदार का 2018 का पेपर और आज इसी हवाले से आखिरी वीडियो है जिसके अंदर हम एवरीडे साइंस, इस्लामियात और रिलेशनशिप के कुछ सवालात को हल करेंगे और 71 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज़ हैं इस पार्ट में। इसी के साथ हमारा पेपर कम्प्लीट हो जाएगा। इससे पहले 3 पार्ट्स इसी पेपर के ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आपने अगर वो वॉच नहीं किए तो वो वॉच कर सकते हैं। तमाम लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पेपर की जानिब और इसको फिनिश करते हैं। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ पाकिस्तान इन्वायरमेंट। सो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में वेजिटेशन, सॉइल, वाटर, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, दी ऑल ऑफ दीज। 72 है, इन विच रीजन द एरियाज ऑफ सिब्बी एंड जैकबाबाद इज लोकेटेड। सो 72 का सही आंसर है सब टॉपिकल कॉन्टीनेंटल लो लैंड, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जी 73, क्लाइमेट हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन। क्लाइमेट का असर किस पे होता है? फूड ऑफ पीपल पे भी होता है, ड्रेस पे भी होता है, लिविंग ऑफ पीपल ऑल ऑफ देम, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 74, द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑफ 2017 वॉज कनेक्ट विद नेचर, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, कनेक्ट विद नेचर। 75, डेंटल डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फ्लोरीन, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, फ्लोरीन अगर अमाउंट हाई हो जाए इसकी तो देन दांतों की बीमारियां लगती हैं। 76 है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर इज नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, नाइट्रोजन हवा में 78.09% पाई जाती है। 77, द थ्री एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और ऑप्शन बी एनपीके, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटाशियम, तो ये 3 चीज़ें पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक हो गया। 78, मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वेदर, ऑप्शन बी सही है, वेदर मौसम, मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वेदर। सो नेक्स्ट जी 79, केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वुड्स इन क्रॉप्स इज कॉल्ड, सो इसका ऑप्शन बी सही है, हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। 80, अ डिजीज इन विच अ पैथोकॉन अटैक अ होस्ट, सो ये डिजीज कौन सी कहलाती है जी? ऑप्शन ए दुरुस्त है, इनफोक्शियस डिजीज, इनफोक्शियस डिजीज। 81, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेल बीइंग, सो ऑप्शन डी मेंटल हेल्थ। 82, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज, ऑप्शन सी सेवेज, सेवेज इसका दुरुस्त जवाब है। 83, कंबस्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट एयर, कंबस्शन जलने के अमल को कहते हैं, तो हवा के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, हवा के बगैर जल नहीं सकते, ठीक है कोई चीज़। क्वेश्चन नंबर 84, COP21 वॉज हेल्ड एट पेरिस इन, दोस्तों कोप क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में 2015 में, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। सो 85 है जी, एज कंपेयर टू टेम्परेचर मोर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन कोल्ड वाटर, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है, टेम्परेचर की नस्बत मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है कोल्ड वाटर में। 86, एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड क्लोरीन डोजेज इन टू ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड, पीने के पानी में अगर क्लोरीन शामिल करते हैं तो उसको क्लोरीनेशन कहा जाता है। 87,
टैश इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 88 पॉल्यूशन ब्रिंग्स क्लाइमेट चेंज इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। सो दोस्तों राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज, क्योंकि जो पोल्यूशन होती है, गंदगी होती है, आलूदगी होती है, वो इन दोनों चीज़ों को इफेक्ट करती है, क्लाइमेट को भी और इकोसिस्टम को भी। सो 89 है जी, डैश इज द इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। ओके 90 डैश इज पाकिस्तान नेशनल एनिमल, तो मारखोर। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, मारखोर को पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कहा जाता है। दोस्तों पाकिस्तान की नेशनल थिंग्स के हवाले से मेरे चैनल पर एक सीरीज़ पड़ी हुई है, सो उसको लाजमी वॉच कर लीजिए। 91 विच सहाबी कंपेनियन वॉज पुल्ड ऑन है हॉट सैंड वाइल पुलिंग रोब्स इन हिज नेक बट ही अटर्ड नो वर्ड बाय अहद आद। तो ये कौन से सहाबी थे? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जिनको गर्म रेत पर लिटाया जाता और इनके गर्दन पर पत्थर रख दिए जाते और इनको घसीटा जाता, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह से अहदात के अलावा कुछ भी ना निकलता। ठीक है 92 नेम द एनिमल ऑन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ट्रेवल्ड इन मेराज। सो कौन सी सवारी थी? बुराक। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और ये 27 रजब को ये वाक्य पेश आया था, एंड रजब इज़ द सेवंथ मंथ इन इस्लामिक मंथ्स। ठीक है रजब का 7वां नंबर है इस्लामिक महीनों में। दोस्तों इस्लामिक मंथ्स के हवाले से भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, सो आप देख लीजिएगा। 93 हु डग द ग्रेव ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कब्र मुबारक खोदी थी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इसके बाद है जी 94 डैश वाज़ दी फिफ्थ खलीफ ऑफ इस्लाम इन सहाबा। दोस्तों पांचवें खलीफा इस्लाम में कौन थे? सो इसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है, सो इसको आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है 95 नेम द लास्ट area of Jews which also accepted to give jizya after this the domination of Muslims was tabled on all the Jewish tribes in Arab. So iska right answer hai option A Taima. So next hai relationship ke hawale se kuch question hai dosto, do ke beech mein relation diya hua hai, do words ke beech mein aur ek word ka iska relationship humne batana hai ki iska kisse ban raha hai। सो बॉलवॉर्म का रिलेशनशिप है कॉटन से, और गंडी बग इसका रिलेशन किस चीज़ से है? दोस्तों बॉलवॉर्म एक कीड़े का नाम है, कीड़े को कहते हैं जो कि कॉटन यानी कपास को लगता है और इसको ख़राब कर देता है। इसी तरह गंडी बग ये भी एक कीड़ा है जो कि चावल को लगता है और इसको ख़राब कर देता है। ऑप्शन बी से रिलेशन बन रहा है इसका। 97 तो बहुत ईजी है, जेंट्स कैप से रिलेशन है। जेंट्स मतलब जो मर्द हजरात हैं वो कैप पहनते हैं और जो लेडीज़ हैं वो स्कार्फ पहनती हैं। ठीक है ऑप्शन ए स्कार्फ। 98 है जी कोहरेंट कंसिस्टेंट। कोहरेंट कंसिस्टेंट मतलब ये दोनों हमानी अल्फाज हैं, कोहरेंट का मतलब भी मुसलसल होता है तसलसल के साथ, और कंसिस्टेंट भी बाकायदी तसलसल होता है, और इरेट कहते हैं दोस्तों नाराज़गी को गुस्से को। ठीक है तो इरेट यानी गुस्सा, एंग्री एंग्री से बनना है, ये दोनों आपस में मुशाबे अल्फाज है, सिमिलर वर्ड है। ठीक है सो नेक्स्ट है जी 99 बाल्ड। बाल्ड कहते हैं दोस्तों गंजे को, ठीक हो गया, और ब्लॉन्ड कहते हैं जिसके सर पे बाल हों, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो बैरन, बैरन कहते हैं बंजर ज़मीन को, ठीक हो गया। तो बंजर ज़मीन का इसके साथ ऑप्शन अपोजिट वर्ड इसका होगा फर्टाइल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो और पेपर का। सोलिकिटियस इज़ रिलेटेड टू कंसर्न। दोस्तों सोलिकिटियस कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि काबिले तवज्जो हो, जिस पे तवज्जो मरकूज रखना ज़रूरी हो, और कंसर्न भी काबिले तवज्जो होता है।
और इसी तरह से वर्बोस, वर्बोस दोस्तों कहते हैं कसीर अल्फाज इस्तेमाल करने वाला, यानी जिसमें तोल कलामी हो। सो इसका जो बनेगा वर्डिनेस बनेगा, सेनोनियम वर्डिनेस भी तोल कलामी को कहते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हों। सो वर्बोस इज़ दी सेनोनियम ऑफ वर्डिनेस। सो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम एमसीक्यूज़ की समझ लग गई होगी आपको और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मज़ीद पास पेपर मुकम्मल तैयारी के लिए आप हमारा इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इन्फो उस्ताद .com वेबसाइट पर ये पेपर मैं PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा जल्द ही, इंशाल्लाह आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप PDF में हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो उस्ताद .com का विज़िट लाजमी कीजिएगा। वीडियो का लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और कोई मिस्टेक हो गई हो मेरे से उसके लिए माजरत, और कमेंट बॉक्स में आप उसकी दुरुस्ती कर दीजिएगा अगर आप 110% श्योर हैं। सो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।